फर्स्ट काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोग के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को शेयर करने का मकसद मेरा एक ही है कि कई बार जो मेरे साथ में हो रही हैं चीज़ें उसको मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। टाइटल थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आपकी डिलीवरी के बाद में आपको केयर किस तरीके से करनी चाहिए, कितने टाइम तक आपको करनी चाहिए। अगर आप केयर अच्छे तरीके से नहीं करते हो तो आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, या फिर आप ये कह लो कि जिनके साथ में कोई नहीं होता है उनको संभालने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, तो उनको किन किन चीज़ों से फेस करनी पड़ती है चीज़ें। और जब आप लाइक बीमार होते हो, आप फिजिकली फिट नहीं होते हो, देन भी आपको सुनना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो बताऊंगी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। उन सभी तमाम वुमेंस के लिए ये जो वीडियो है वो यूज़फुल होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिनकी डिलीवरी हुई है। क्योंकि आपको अपनी केयर बहुत ज़्यादा करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहूँगी करने की, करवाने की ज़रूरत है। क्यों करवाने की ज़रूरत है? क्योंकि भाई बच्चे को देखने के लिए सब कोई होते हैं, वुमेंस को देखने के लिए कोई नहीं होता है। जिनकी डिलीवरी हुई है उसको देखने वाला कोई अगर नहीं होता है तो उसको उस टाइम पे अपना वो करते हैं सुपर वुमन की तरह कि भाई हम सब कुछ कर लेंगे। उस टाइम को भी उसने सर्वाइव किया होता है, और जब एक दो साल बाद उसको फिजिकली प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है तो भी उसे सुनना पड़ता है कि तुम बीमार क्यों रहती हो ऐसा करके। तो ये उन सभी तमाम वुमेंस के लिए, या तो आप उस टाइम पे अपनी केयर, इसलिए मैंने कहा करवा लो, कर लो, रेस्ट कर लो, या फिर अगर आप बाद में अनफिट होने लगते हो, आप किसी भी तरीके से मेडिकल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा एक दो साल, मतलब देखो टाइम जाएगा उसके साथ साथ आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी आपको ना, जब एक डेढ़ साल से पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने केयर 40 डेज 2 महीने की नहीं ली होती है उसके बाद आपको एक दो साल से पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि भाई आपको कितनी ज़्यादा उस टाइम पर नीड थी जो आपने नहीं ली या आपकी नहीं की गई है ना। तो कई वुमेंस यहाँ पे होंगी जिनके साथ में ऐसा हुआ होगा, अगर नहीं है तो अच्छा है कि आप अभी से अपनी इस चीज़ पे फोकस करो। जैसे हर एक चीज़ प्रेगनेंसी में ज़रूरी होती है, वैसे ये भी आफ्टर डिलीवरी के बाद ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा कर दिया हमने और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, नहीं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप अपनी केयर नहीं करते तो बेबी को आगे परिवार को आप लेकर नहीं चल सकते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैं दोनों अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। आपको पता लगेगा कि जब मेरे को लाइक किसी भी वुमन को कह सकते हैं कि जब उसको रेस्ट मिलती है तो उसके साथ में क्या चीज़ें होती है, जब उसको रेस्ट नहीं मिलती है तो वो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपका भी ऐसी कोई चीज़ होगी आप जरूर से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो इसको जरूर से लेकिन अपना पूरा देखना, क्योंकि ये आपके लिए रियली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, मैं अभी इसे बता रही हूँ। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ जब मेरी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई। ये कोई भी मेडिकल ऐसा कोई नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मेरी डिलीवरी हुई तो उस टाइम पे मैं अपने मायके में चली गई थी। लाइक जब मेरी प्रेगनेंसी 7 मंथ की थी तो प्रॉपर वहाँ पे आफ्टर डिलीवरी के बाद में आप सभी को पता है, आप भी अगर मायके में जाते हो तो आपको प्रॉपर रेस्ट तो मिलती है। तो टचवुड मेरे को भी वो रेस्ट मिली। तो मैं ये कहूँगी कि देखो आप अगर ना रिकवर कर जाते हो 20 डेज में, 1 महीने में, लेकिन जो आपको अगर रेस्ट दी जा रही है तो आप प्रॉपर उसका रेस्ट लो। तो मेरे को भी रेस्ट मिली तो मैंने उस रेस्ट को लिया, तो मेरे को उसके बाद वैसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। ठीक है, जब मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ में, जब मेरी बेटी लाइक 4 मंथ की हुई उसके बाद ही मैं आई थी, तो मेरे को कभी कोई कमर में दर्द वगैरह जैसा होता है ना, मेरी सेक्शन डिलीवरी हुई थी लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम टचवुड हुई नहीं। क्योंकि देखो केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपके छोटा मोटा देखो आप अपने बेबी का पॉटी का कपड़ा धो सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, हेवी काम नहीं करना है, पानी का उतना वर्क नहीं करना होता है ना, ये सारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, तो उन चीज़ों को सुनना चाहिए। आज सर पर कपड़ा बांध के रखना, ज़्यादा लाइक बाहर नहीं घूमना फिरना है ना। आजकल देखो बहुत ज़्यादा फैशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई और कई लोग को मिलता ही नहीं है केयर, तो सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर 40 डेज 2 महीना अगर आप केयर कर लेते हो तो आपकी जो ज़िंदगी होती है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर आप नहीं करते हो तो आपकी ज़िंदगी वर्स्ट होना स्टार्ट होना हो जाती है। तो वही 5 ईयर की हो गई थी, उसके बाद मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई थी, तो 5 ईयर तक मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं फिट थी बिल्कुल ही। मैं रिकवर अपने मायके में बहुत अच्छे तरीके से हुई आई, अपना घर का जो होता है, मैं अपने घर को जैसे आप लेके चलते हो सारी चीज़ें करते हो, तो उस तरीके से मेरे भी लाइक 5 ईयर्स हुए। उसके बाद सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, उसके बाद मैं इधर अपने हस्बैंड के साथ अकेली थी, यहाँ पर कोई भी नहीं था, ना इन लॉज ना मायके वाले, कोई भी नहीं था।
तो उस टाइम पे चीज़ें कुछ ऐसी थी जिसके कारण से लाइक मेरे मम्मी लोग भी वो नहीं आ सके, तो ना मैं वहाँ पे जा सकती थी क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी ही बहुत ज़्यादा लाइक बेड रेस्ट बोल दिया गया था, स्पॉटिंग वगैरह हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल व्रेवल करना पॉसिबल नहीं था और उन लोग का भी आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था डिलीवरी के टाइम पे। तो चलो वो तो एक बात की बात है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्योंकि कई लोग का बीच पे क्वेश्चन होगा, इस वजह से मन में क्वेरी आई जाती है, इसलिए मैंने बता दिया। तो एक्चुअली उसके बाद डिलीवरी के बाद में जब मेरे को डिस्चार्ज मिला 7 डेज पे, सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, हॉस्पिटल में मैं अकेली ही थी, तो मैनेज करना, तो हम अपने आप को ना कई बार औरतें ना समझ लेते हैं कि हमसे बड़ा सुपर वुमन कोई नहीं है, तो वैसा ही एक कह लो या फिर ये कह लो कि अपने आप में स्ट्रेंथ आ जाती है। आपके सामने एक बच्चा है ना आपका, और एक छोटा सा बेबी जो आपने अभी डिलीवर किया है, तो आपको दोनों को देखना होता है। मेरे पास में कोई हाउस हेल्पर भी नहीं थी, तो घर का काम हस्बैंड को भी प्राइवेट जॉब्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आप ऑफिस बहुत अच्छी जगह पे हो तो आपको मेटर्निटी लीव वगैरह मिल जाती है, वैसे हस्बैंड को मुझे नहीं लगता कि मिलती होगी, तो उनको भी ऐसा कोई था नहीं। तो जैसे मैं 7 डेज़ पे लाइक अपने घर पे आई डिस्चार्ज होकर, मेरे को वैसे ही अपने घर में आके जिस दिन मैं आई हूँ उस दिन से मैंने खाना पीना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आप कह लो कि इंसान ठीक है अपनी सिचुएशन के हिसाब से सभी कुछ करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, सभी कुछ करता है जब आपके हालात वैसे होते हैं, आपके पास कोई नहीं होता है तो आपको करना पड़ता है ना। रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने किया, क्योंकि आपका घर है, आपको करना ही पड़ेगा, तो आप भूखा तो किसी को नहीं रख सकते हो। तो मैंने आके खाना पीना बनाना, अगले दिन से ही जो घर का छोटा मोटा काम होता है लाइक पोछा लगाना, ये सारी चीज़ें करना बाई वाइपर से ही, ऐसा नहीं कि बैठ कर, तो हल्का फुल्का क्लीनिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें मैं करती थी। और ठंड का पीक मौसम था दिसंबर का, तो आप समझ लो कि किस तरीके से, जो कि वुमेन को पानी नहीं टच करना होता है उतना ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। देखो चाहे डिलीवरी आप किसी सेक्शन है चाहे नॉर्मल है, दोनों में ही आपको टिक के प्रॉपर 2 महीने तक अगर आप 40 दिन तक ले लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ जो होती है ना अच्छी जाती है। और अगर आप नहीं लेते हो, अब मेरी सिचुएशन ऐसी थी मुझे करना पड़ा, तो मैंने चलो किया, वो टाइम निकल गया। मैं मतलब आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं डिस्चार्ज होकर आई, मेरे को लाइक 10 डेज भी अगर मैं कहूँ डिलीवरी के बाद मेरे को कोई रेस्ट नहीं मिला, कि मैं सेम डे से आके ही मैं अपना काम पे लग गई थी, जो होता है बेबी को संभालना, एक सामने बेबी है उसको स्कूल भेजना, सारी चीज़ें करना, तो प्रॉपर अपना सही चीज़ें कर रही थी। लेकिन उसके बाद आते आते लाइक 2 साल के बाद मैं कहूँ 2018 में मेरी डिलीवरी हुई थी, उसके बाद 2020 से मैं कह लूँ कि मेरी तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हुई। अब देखो तबीयत आपको ना तुरंत पता नहीं लगता है, हाँ ऐसा होता है कि आपको कुछ टाइम के बाद जैसे कि बहुत लेजी सा फील होगा, अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको लाइक ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है शरीर में, ये तो आपको 2-4 महीने के बाद ही आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, लेट गो करते चीज़ें कि नहीं चलो मौसम के अनुसार से या कुछ भी ऐसी चीज़ें है ना, तो चलो वो टाइम गया ठीक है। उसके बाद 2 साल के बाद लाइक 2020 से मैं कहूँगी, 2021 से फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, कभी लाइक मेरा हीमोग्लोबिन है वो कम होना स्टार्ट हो गया, सेल्स बनना वो हो गया, टाइफाइड बार बार होने लगा। लाइक मेरे को उस साल मेरे को याद है 2021 में मेरे को 3 बार मेरे को टाइफाइड हुआ था। तो ये क्यों होता है, धीरे 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 आप चलो सारी चीज़ें करते हो लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं थकावट से फीवर रहना, वो सारी चीज़ें करना, मेडिसिन आप खा लेते हो उस टाइम पे है ना, ले लेते हो, लेकिन प्रॉपर अच्छे तरीके से टेक केयर ना मिलने के कारण ही आपको काफ़ी टाइम के बाद वो उन चीज़ों का असर आपको पता लगता ही लगता है। तो मैं यहाँ पे सभी वुमेन से ये चीज़ कहना चाहूँगी, तो मैं आपको कि भाई अगर आपके पॉसिबल है हाउस हेल्पर लगा सकते हो तो ज़रूर से लगा लो, अगर आप फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हो तो बुला लो, अगर आप उनके पास जा सकते हो तो चले जाओ, कुछ भी ऐसा करो क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके हस्बैंड को लाइक खाना बनाना आता तो बहुत अच्छी बात है, घर का काम वाम कर लें तो बहुत अच्छी बात है, कई लोग को नहीं आता है तो वो बहुत ज़्यादा, फिर वुमन को उस टाइम पे भी उसने अपना घर संभाला होता है। मैं अपनी यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे भी मैंने किया और बाद में भी मैंने 2 साल बाद से, उसके बाद फिर मैं तब से अब तक मैं अगर मैं कहूँ ये 2024 हो गया, मैं तब अब तक मैं उन चीज़ों को लेकर सर्वाइव कर रही हूँ। कभी कुछ मेडिकल इशूज़ लगे हुए रहते हैं,
तो ये सब उन्हीं कारणों के उस एक अगर मैं 2 महीने का अगर मेरे को रेस्ट मिल गया होता तो मेरे को शायद अभी ये प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उसके बाद मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो अभी वीकनेस होना, अभी बार बार बीमार पड़ जाना, थोड़ा सा काम कर लेने पे थकावट हो जाना है ना, हीमोग्लोबिन बार बार कम हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे को मेरी सेकेंड डिलीवरी के बाद में के 2 ढाई साल बाद में स्टार्ट हो गई होना। और अभी भी जैसे पहले मैं वीडियोस वगैरह कंटिन्यू करती थी मेरे चैनल पे, उसके बाद क्या होता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, तो ये भी एक रीज़न मेरा रहा है कि मैं कंटिन्यू नहीं हो पाती, क्योंकि कई बार बीमार हो जाना, घर में संभालना, सारी चीज़ें करना, तो इसलिए मैं अपने चैनल पर एक्टिव नहीं हूँ। बस मैं इस वीडियो को चाहे ये 10 लोग देखें, 15 लोग देखें, लेकिन वो जिनकी डिलीवरी होने वाली है या हुई है वो प्रॉपर रेस्ट करें। वो 10 लोग भी अगर अगर ये वीडियो देखते हैं, वो अपनी केयर अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो शायद उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो इसलिए है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैं यही कहूँगी कि जब आप बीमार पड़ते हो तभी भी आपको सुनना पड़ता है कि आप बीमार क्यों हो, है ना। तो आपने उस टाइम पे भी अपना घर संभाला होता है, जब आप बीमार होते हो तभी भी आप कर ही रहे होते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सुनना पड़ता है कि बीमार रहने लगी है, क्योंकि आप तो अपने घर को लेकर चलते हो, आप सारी चीज़ें करते हो, उसके बाद जब आपकी हेल्थ पे इश्यूज़ आना स्टार्ट होते हैं तभी भी आपको सुनना पड़ता है कि तुम बीमार क्यों हो या क्यों रहती हो बीमार, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप फेस ना करो, आपको कल को ये चीज़ें सुननी ना पड़े। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि अपनी केयर करवा लेना, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी केयर ज़रूर से कर लेना। अगर आप चाहते हो कि आगे आप ठीक रहो, आपको ये चीज़ें ना सुननी पड़े, तो प्रॉपर अपनी रेस्ट करो, प्रॉपर अपनी केयर करो और करवाओ। अगर कोई नहीं भी करता तो भी करवाओ कि भाई मेरे से नहीं होगा, मुझे चाहिए, रेस्ट तो चाहिए ही, ठीक है। और मैंने उस टाइम पे जैसे मैंने कहा विंटर का टाइम था, मैंने कपड़े लत्ते धोने से लेके हर एक चीज़, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई हम सारी चीज़ें छोड़ देंगे, हर एक चीज़, बच्चा मिनट मिनट पे सुसु पॉटी ये सारी चीज़ें करता है, आपको घर भी उतना ही हाइजीन मेंटेन करके चलना होता है, क्लीनिंग अच्छी तरीके से करनी होती है, तो सारी चीज़ें ही आप करते हो, खाना पीना हर एक चीज़। एक वुमन क्या नहीं करती है, सारी चीज़ ही करती है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी मैं अकेली रह रही थी, कोई कह नहीं सकता कि मैं लाइक अकेली रहती हूँ, मेरे घर में कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसे वैसे पड़ी है, प्रॉपर अपना जो इंसान काम करता है वही करता था। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बता रही हूँ कि बाद में मेडिकल इश्यूज होना स्टार्ट होते हैं, तो ये इश्यूज आपका सर दर्द करना, आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा होनी, खड़ा नहीं होया जाना, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ना आपको लाइक 6 महीने के बाद से 1 साल के बाद से आपको होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है ये मेजर प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए ही अपनी भाई आप अच्छे तरीके से केयर करो, करवाओ जैसे भी डिलीवरी। आपको बस इतना नहीं है कि आपने बच्चा डिलीवर कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपकी केयर उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी केयर करो, करवाओ कैसे भी करके, क्योंकि बाद में फेस करो, बाद में डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन आपको होता है, वो भी आप झेल रहे होते हो, अकेला कोई इंसान होता है वो सारी चीज़ें झेल रहा होता है, अपना घर की प्रॉब्लम्स को झेल रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें। और जब आप बीमार पड़ते हो तो भी आपको लाइक डिप्रेशन तो होता है ना, कि हम बार 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 क्यों इतना बीमार पड़ रहे हैं, एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को एक वुमेन जब फेस करती है तो उसको क्या लाइक वही समझ सकती है कि वो क्या क्या चीज़ें फेस कर रही है। तो आप ये सारी चीज़ें फेस ना करो, अपनी लाइफ को बहुत ही ईजीली वे में लेकर चलो, और जो अपने रूल्स होते हैं, जो अपनी चीज़ें होती है, उनको स्टार्टिंग से ही आप बहुत अच्छे तरीके से रखो कि भाई ऐसा 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 है तो मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी में आपको दवाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए, प्रॉपर मल्टीविटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वैसे ही आफ्टर डिलीवरी के बाद आपको केयर चाहिए, मतलब चाहिए, कैसे भी करके चाहिए लेकिन चाहिए। तो ये चीज़ को जब आप बहुत अच्छी तरीके से आप बोलोगे, क्योंकि आपके ऊपर भी है, क्योंकि अब आपको ये चीज़ तो समझ आ गई कि ये प्रॉब्लम आपके साथ में होगी, चाहे अब हो जाए, तब हो, चाहे कभी भी हो, चाहे 5 साल बाद होना स्टार्ट हो जाए, तब आप फील करोगे अच्छा उस टाइम पे मैंने ये चीज़ नहीं की थी, मेरे साथ नहीं हुई थी, देन मैं भी ये चीज़ प्रॉब्लम में फेस कर रही हूँ। तो ये अब घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको प्रॉपर केयर दी जाए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आजकल देख और कई वुमेंस
को ये कहना चाहूँगी कि आजकल आप देखते भी होंगे कि सोशल मीडिया पे कि यहाँ डिलीवरी हुई है, यहाँ घूमने चाहिए, वहाँ घूमने चाहिए। नहीं जी, आप 2 मंथ तक प्रॉपरली अपनी अच्छी तरीके से केयर कर ली, उसके बाद आपको जहाँ जाना है, जहाँ घूमना है, घूमें। देखो, डॉक्टर चेकअप हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, बहुत एसेंशियल चीज़ है, ये तो आपको करनी है। लेकिन अदरवाइज बेफालतू का घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें जैसे पहले केयर करते थे ना, पहले बुजुर्ग, पुराने बुजुर्ग, घर पर रहना, कहीं नहीं जाना, बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करना, तो क्यों करते थे? कुछ तो रीज़न होगा ना। तो इसलिए वैसे ही रहो, वैसे ही केयर अपनी करो जैसे बड़े बुजुर्ग। कई लोग के घरों में बहुत अच्छी तरीके से केयर दी जाती है तो वो लोग करते नहीं हैं, और जो नहीं जिनको मिलती उनसे पूछ के देखो कि भाई उनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो आप तो बड़े लकी हो जिनको केयर मिलती है, जिनकी फैमिली है, जिनके पास फैमिली नहीं होती उनसे पूछ के कोई देखे कि भाई उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए केयर कर लो, रो के कर लो, धोके कर लो, जैसे मर्जी करना है कर लो, क्योंकि आगे आपको रोना ना पड़े, इसलिए अभी कर लो। तो आई होप इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, आपने समझी होगी चीज़ों को। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो अपना क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं, बस ये छोटा सा वीडियो था, आप लोग को एक अपनी कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना था, कुछ आपको ये हेल्प भी करनी थी कि आप अपनी केयर अच्छी तरीके से करें। बेबी की तो हो ही नहीं, अपनी केयर अच्छी तरीके से करें। मदर बनना इतना आसान नहीं होता, मदर जब आप स्टार्टिंग से जब आपने कंसीव कर लिया होता है तब से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब बेबी डिलीवर कर देते हो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती, और भी इन्हेंस हो जाती है। आई होप आपने समझा होगा इन चीज़ों को। तो बाय, अपनी केयर करें, करवाए, और बस ये कहना चाहूँगी बी हैप्पी और अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बाय।